हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं विश्वनाथ प्रजापति आज पंडित दीनदयाल की तरफ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय गणित, जिसमें चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग वर्गमूल। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, किस तरह से उसका हम मैं तो प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानने की वर्ग क्या होता है। वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग, जानते हैं वर्ग किसी जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है वो वर्ग होता है। और वर्ग किसी भी संख्या पर दो घात जब हम लगा देते हैं और या किसी संख्या का दो बार गुणा कर दिया जाता है तो वर्ग कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए 3 का वर्ग करना है तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पर हम स्क्वायर कर देंगे। और 3 पर स्क्वायर का मतलब होता है, 3 पर स्क्वायर का मतलब होता है इस 3 का दो बार गुणा, यानी कि 3 × 3 बराबर हो जाएगा 3 × 9। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यह वर्ग है और इसी का जो मूल होता है वही वर्गमूल कहलाता है। तो जान के वर्ग एवं वर्गमूल क्या होता है। तो यह 3 पर हमने दो घात लगा दिया और दो घात का मतलब दो बार गुणा, यानी 3 × 3। तो अब 3 × 9, अब ये हो गया हमारा वर्ग। तो अब इस तरह से और यही वर्ग का जो मूल होता है, यानी जिसका हमने वर्ग किया है तो 9 प्राप्त हुआ है और इसी का मूल अंक जो होता है वही हमारा वर्गमूल बनता है। तो इस तरह से वर्ग और वर्गमूल समझ गए। अब किसी संख्या का वर्ग निकालना भी आप लोग जान गए। तो देखिए अन अंक कैसे हम लगाते हैं, ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए -5 का वर्ग क्या होगा। तो -5 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो घात लगा देंगे। और -5 देखिए -7 में लगा हुआ है, तो जब भी -7 में लगा किसी भी अंक पे किसी भी डिजिट पे तो उसको आप क्या करेंगे, उस माइनस को कोष्टक में लिख करके गुणा करेंगे। तो -5 × -5, तो अब ये हमारा हो जाएगा 5 का गुणा 5 में होगा तो 5 × 5 = 25, क्या हो जाएगा 25। अब याद रखिएगा माइनस और माइनस, तो माइनस आप पहले जानते हैं माइनस और माइनस का जब गुणा होता है क्या होता है, प्लस हो जाता है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, 25। आसानी से देख सकते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल सबसे छोटी छोटी संख्या लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत आसानी से है। तो अब आप लोग ये जानते हैं कि क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए। इसके बाद से आ जाइए, ये हमारा रहा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए 3/4 का हमें वर्ग याद करना है। क्या करना है, 3/4 का हमें वर्ग करना है। तो 3/4 देखिए ये भी ऋणात्मक संख्या है, इसलिए इसको हम वर्ग लगा करके हम क्या करेंगे, यह कोष्टक लगा करके हम वर्ग याद करेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जैसे ये अंक लगाए हैं ये दो बार गुणा किए हैं, उसी प्रकार से हमारी ऋणात्मक जो संख्या होती है वह भी हमारा उसी रूप का फॉलो करती है जैसे हम इसके ऊपर वाला हम किए हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा 3/4 × 3/4। तो इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर कोष्टक लगाने के भूल गए हैं, तो 3 × 3 हो जाएगा, 4 × 4। तो आप पहले ऋणात्मक संख्या का गुणा जानते ही हैं, अंश में अंश का गुणा किया जाता है और हर का हर का गुणा किया जाता है। तो 3 × 9 बटे 4 × 16। इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों वर्ग और वर्गमूल आप आसानी से समझ लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका यह जगह यही रहेगा कि पहला क्वेश्चन कि 1 से 25 तक के संख्या को वर्ग ज्ञात करेंगे और उसको याद करेंगे। 1 से 25 तक की संख्या का आप क्या करेंगे, वर्ग याद करेंगे और उसको आप याद करेंगे। दूसरा एग्जाम एग्जाम आपका रहेगा कि 3/5 का वर्ग याद करेंगे, दूसरा इसमें हो जाएगा फिर 5/-9 का वर्ग याद करेंगे। इसके बाद से हो जाएगा आपका 8/4
13 का वर्ग ज्ञात करेंगे, उसके बाद से 9 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 25 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 125 का वर्ग ज्ञात करके इतना क्वेश्चन आप क्या करेंगे हमें दिखाएंगे। शेष इससे बड़े जो क्वेश्चन हैं इसके और बड़े बड़े भी जानते हैं, पहला चक्र था तो छोटा छोटा क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो जब ये समझ में आएगा तो बड़े क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल छात्रों इस पार्ट 1 में इतना ही रहेगा, शेष अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।